This is the main screen of the AutoCAD. So usually we were doing with the help of our that drawing sheet, and with drafter we are going to draw something. So draw is going to our main command, and further we have to modify that command. So with the help of eraser and other thing, we were erasing the things which we were not requiring. So in this case, we are not going to erase it effectively with the help of that eraser. Sometime we are having the erase command in this console, right? So depending upon the situation, we are going to use that command. So we have divided the various commands. Say if you go straightway into the draw command, you just see this is the draw main menu bar. Scale we can have 1:1, or we can have the this units commands also. तो इनिशियली आपने स्क्रीन आपको फिक्स कर लेना, जब आपकी स्क्रीन फिक्स होगी उसके बाद आप यूनिट्स फिक्स कर सकते हो। आपने आर्किटेक्चर करना है, इंजीनियरिंग करना है या मिलीमीटर वाला, डेसिमल वाला करना है, वो दैट वी विल शो यू वन बाय वन, ठीक है। तो अगर आप ऑटोकैड का स्क्रीन ऑन करते हैं तो यू आर गोइंग टू सी द दिस इज द स्क्रीन, ठीक है। अब इसमें से पहला जो हमारा स्टार्ट जो होगा, वी आर गोइंग टू यूज द ड्रॉ कमांड। अब ये ड्रॉ कमांड का मेन मेन्यू है, इस पर अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ विद द हेल्प ऑफ माय माउस, यू जस्ट सी इसमें फर्दर ड्रॉप डाउन मेन्यू जा रहा है, जिसके अंदर आगे एरो नहीं है, इट मींस दैट इज द फुल फ्लैश कमांड, और जिसके अंदर एरो दिखाई दे रहा है इसका मतलब फर्दर इसके अंदर फर्दर एक्शन भी है, तो वो आपने यूज करना, ठीक है। अब आती है ड्रॉइंग कैसे करना। There are various ways by which you can draw the things. एक तो आपका है स्ट्रेट वे एंट्री, डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर मूवमेंट ऑफ योर कर्सर, मूवमेंट ऑफ योर माउस एंड कर्सर, यू आर गोइंग टू फिक्स द लेंथ, ठीक है। तो इसमें आपको पता नहीं है कि कौन सी जो आप ड्रॉइंग कर रहे हैं या जो भी आप एंटिटीज बना रहे हैं, यू डोंट नो वट इज द एग्जैक्ट स्केल ऑफ दैट, उसके लेंथ कितना है, उसका डाया कितना है, वो आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपने वो प्रिसीजन से करना है, then we have to see the coordinate system. Coordinate system का just I am just showing you, this is the coordinate system in case of AutoCAD. अच्छा एक चीज और आती है, इसके अंदर by default value होती है। तो AutoCAD के अंदर जो भी last user है, जो उसने unit fix की है, it is going to be by default value for you. जैसे मान लो मैंने circle एक draw करना है without giving my coordinate system, तो जो circle का dia होगा that is by default value for you. अगर किसी ने 30 का डाया का बनाया है, तो अगर आप सर्कल ड्राया ड्रॉ करोगे, अगर रेडियस या डाया जो भी फिक्स किया वो आपको वही बनाएगा, उसको चेंज करने के लिए आपको अपना इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली सिस्टम को यू आर गोइंग टू गिव सम इंफॉर्मेशन, सिस्टम विल आस्क यू सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, अगर वो आपकी मैच करती चली जाएंगी तो आपकी एंटिटी बन जाएगी, कहीं पर भी मिसमैच होगी तो एंटिटी आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम करोगे तो दीज आर द थ्री मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ किए होंगे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ किए हो ना। हमने दो ही टाइप के ग्राफ ड्रॉ किए, वन वाज एक्स एक्सिस, अनदर वाज वाई एक्सिस, शायद माइनस आपने मैथमेटिक्स में यूज किया, बट अदरवाइज अगर आप फिजिक्स और दूसरे की बात करोगे तो एक्स और वाई का ही बात। तो सेम थिंग इज हेयर, दिस इज माई जीरो जीरो, उसमें भी आप एक जीरो जीरो फिक्स करते थे, तो सिस्टम में भी आप यू आर गोइंग टू फिक्स 100, और बाय डिफॉल्ट जो आपका जो आइकन आएगा दैट इज 00। आई विल शो यू इन यूसीएस कोऑर्डिनेट, वी विल शो यू वेयर इज द 00, ठीक है। तो उसमें आपका से सपोज करो दिस इज माय ग्राफ एरिया, तो अगर ये हमने जो यूज किया हुआ है एक्स और वाई ही किया हुआ है, नेगेटिव वाला नहीं किया, ठीक है। तो इस वाले में मैं जस्ट टाइम शोइंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये आपका 00 है, राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, सेम इज द केस वाई, अपर इज पॉजिटिव लोअर इज नेगेटिव, तो बेस्ड ऑन दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू फिक्स द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो वी आर हैविंग थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, जस्ट यू सी, वन इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड इज योर रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। When polar is there, it means some angle is also there. और अभी जो आपके advanced version जो AutoCAD के आगे, इसमें it is not required कि आपने angle fix करके देना, आप just you move your cursor in that direction और आपका cursor वहाँ जाएगा, वहाँ पर आप length डाल दोगे तो वो उसी वाले angle को ले लेगा,
और आपका जो डायनेमिक सिस्टम है उसके अंदर आपकी लेंथ एंड एंगल दोनों आपके डिस्प्ले में आती है. सो यू कैन फिक्स योर लेंथ एंड यू कैन फिक्स योर एंगल इन दैट अकॉर्डिंगली इट विल वर्क. ठीक है, अगर आपने वो वाला यूज नहीं करना तो जो स्टैंडर्ड है यू कैन यूज दिस वन. ठीक है, दीज आर द थ्री सिस्टम्स. सो जस्ट आई एम शोइंग यू हाउ द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू वर्क. एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के अंदर आपका सिंटेक्स जो होगा लिखना है दैट इज एक्स कोमा वाई. तो वट एवर लेंथ इज देयर इन एक्स डायरेक्शन एंड वट एवर पॉइंट इज देयर इन एक्स डायरेक्शन वट एवर पॉइंट इज देयर इन वाई डायरेक्शन इट विल टेक वन पॉइंट. अब ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट से एक एंटिटी ड्रॉ की हुई है. ओरिजिन फिक्सिंग दैट दिस इज द ओरिजिन. सो एट दिस प्लेस अवर एक्स एंड वाई इज जीरो जीरो एंड जीरो. सो वी आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस डायरेक्शन एंड विथ सम लेंथ. सो इफेक्टिवली दिस सेकेंड पॉइंट इज वी आर हैविंग सम वैल्यू इन एक्स एंड वाई इज जीरो. Likewise, at this place, we are having x and y. So you simply write your coordinate system. X, what is the length? Y, what is the length? That coordinate will come. Here, in this direction, again, we will be having x and y. And if you straightway say close, this will close at the start of your point. Otherwise, we will be having y in this direction and x is 0. ठीक है? तो इसके हिसाब से आप डाल सकते हैं. ये देखो आप ये वाला जो आपका एक्सरसाइज है सी. अगर आपने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना है विद दीज पॉइंट्स स्टेट वे वी कैन मेक द फर्स्ट वी टेक अ लाइन कमांड. अच्छा फोर 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 टेकिंग द कमांड वी आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस. इधर यू कैन टेक विद द हेल्प ऑफ योर ड्रॉबार टूल्स. वी कैन हैव द ड्रॉबार टूल्स ऑल्सो. वी कैन हैव दिस मेन मेन्यू कमांड ऑल्सो. और स्टेट वे वी कैन राइट समथिंग विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड आल्सो. तो जो भी आपकी कमांड है वो उसका सम शॉर्टकट इज देयर. तो वो वाला आप शॉर्टकट डालेंगे स्टेट वे इट विल टेक दैट कमांड. अगर वो वाला शॉर्टकट दूसरी कमांड के साथ भी मैच कर रहा है तो वो आपको ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना. तो आप वो वाला सिलेक्ट कर लो दैट कमांड विल वर्क. अच्छा यस वन मोर थिंग इज ऑल्सो देयर. से दिस लाइन इज देयर. इफ यू पुट योर कर्सर ऑन दिस लाइन इट विल शो यू वट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस. तो ये आप यहाँ से इसको पढ़ सकते कि लाइन वट इज द मीनिंग ऑफ लाइन एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द लाइन. वो सभी पे होगा सभी पॉइंट्स पे होगा. तो वो आप अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम आ रही है पॉइंट को किसी भी तरह से कोई डिफिकल्टी है तो दैट पर्सन कैन सी दिस डायलॉग बॉक्स और उसके हिसाब से कर सकते. अदरवाइज वी आर हियर फॉर यू. दिस ब्लैक शीट इज आवर वर्किंग एरिया एंड दिस इज अ कमांड लाइन. फॉर कमांड लाइन वी राइट अ कमांड लाइन एल. नाउ वी अब जब यू जस्ट सी द सिस्टम इज आस्किंग यू स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट. ही इज गोइंग टू गिव यू द फर्स्ट पॉइंट नाउ. Now our drawing is first point is 0 comma 0. The syntax is x comma y. Then second point is 4 and x is 4, y is 0. Again system is asking to specify the next point. So you have to give the next command, next point by turn by for this entity the next command is 4 comma 0. So our line in x direction is 4 units and y we are not moving, so that's why y is 0. With the help of scroll we can zoom in and zoom out. Now our third point is 4 comma 3. Now next point is our x is 0 and y is 3. Now for closing this we use a close command. Enter on the close c. Now this is a
एब्सोल्यूट कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। से अगर आपने स्टेट पे एंट्री करना था विदाउट हैविंग द लेंथ एंड अदर थिंग्स, तो आपने लाइन कमांड पे जाना स्टेट पे, लाइन कमांड स्पेसिफाई योर फर्स्ट पॉइंट, से दिस माय फर्स्ट पॉइंट दिस। अगर आपने और तो वी विल बी हैविंग द ऑब्जेक्ट स्नैप्स आल्सो, वी विल शो यू हाउ द ऑब्जेक्ट स्नैप इज गोइंग टू वर्क। सो एक्स डायरेक्शन, दिस इज माय एक्स डायरेक्शन, दिस इज माय वाई डायरेक्शन, दिस इज माय अनदर पॉइंट एंड दिस इज माय दिस पॉइंट। सो दिस वे वी कैन ड्रॉ द एंटिटी। बट अब इस वाले में हमें पता नहीं था कि एक्स हमारा कितना लेंथ का है, वाई कितना लेंथ का, जेड। तो अगर इफ यू वांट टू वर्क विद द हेल्प ऑफ द प्रिसीजन, यू हैव टू यूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको ये बता दिया, नाउ वी विल शो यू द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट इज आर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी पहले हमने क्या लिया था, हमने ओरिजिन पॉइंट 0,0 लिया था। अभी इसमें क्या करेंगे, अगेन हम द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव एट दिस प्लेस इज कि जो आपका पुराने वाला पॉइंट है उसके रेफरेंस में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग एट द रेट। सिंटैक्स इज एट द रेट एक्स कॉमा वाई। फर्स्ट आई टेक अ लाइन कमांड एंटर, देन आई टेक अ पॉइंट एनी वेयर on the workspace. Our next point is with the help of now first point I take Now next is 50,0 at the rate. And our next point is at the rate. In here the always origin come into the last point. At the rate. Now we go to the in 30 this direction. Yes. Your x is 0 and y is 30 and at the rate means last point. ये जो जहां से स्टार्ट कर रहा है यहां से 30 जा रहा है। Now direction of and you x see is the direction negative. Also again right is positive and left is negative, so at this place our x is minus 50 at the rate minus 50 comma. Now we go downwards, then the direction of y is negative at the rate 0 comma minus 30. This is a relative coordinate system. First we specify the point, then we specify second point, then third point, then fourth, then fifth. This direction is positive y, this direction is positive x, downward is negative y, this direction is negative x. Agar aap is direction mein ja rahe hain to hamara at the rate x positive hoga aur y zero hoga. Agar aap is direction mein ja rahe hain to hamara जो x है वो जीरो होगा और y पॉजिटिव। अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, जो हमारा y नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप बैकवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ हमारा x नेगेटिव हो जाएगा और y जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो दोनों की वैल्यू होगी और उसमें
एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, अगर यहां पे है इस क्वाड्रेंट में है तो इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, अगर इस क्वाड्रेंट में है इसमें एक्स नेगेटिव होगा, सॉरी एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव, और हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे। ये है हमारे पास रिलेटिव कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोलर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, हमारे पास जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, जो हमारी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव है, और ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360। अगर आप इफ यू सी द स्टेट पे जो हम ग्राफ के हिसाब से कर रहे थे, तो अगर आवर मूवमेंट वाज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप मूव कर रहे हो तो 0 से स्टार्ट करके देन वी विल गो टू द 90, देन 180, देन 270 एंड 360। अगर आपने इफ यू वांट टू मूव द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so if you are having say some value in first quadrant, x positive, y positive and some value, so if you are moving in the anti-clockwise direction, that angle is going to be small, 0 से 90 के बीच में ही होगा, and if you are moving the clockwise direction, so we will be having the negative value, but angle is going to be more, so ये system के हिसाब से देख लेना कि system आपका anti-clockwise ले रहा है या clockwise ले रहा है, based on that your angle will be there according to your drawing। अगर आपको इस तरफ से नजदीक लगता है यहां पे हमने लाइन लगानी है तो हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, अगर मुझे यहां से लाइन लगानी है तो क्लॉकवाइज ले लेंगे। जैसे अभी मैंने ये 45 की एक लाइन लगाई हुई है, इसका एक एंगल है पॉजिटिव, अगर मैं -115 भी लूंगा तो भी आ जाएगा -350। ठीक है जी, अभी मैं क्या करता हूं, इसका सिंटेक्स देख लीजिए, उसका सिंटेक्स था रिलेटिव, जब भी रिलेटिव आ जाता है तो एट द रेट आ जाता है, तो इसका एट द रेट लेंथ लेस देन एंगल। तो अभी हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, अब शिफ्ट के साथ एट द रेट डिस्टेंस हम ले लेते हैं 10 और लेस देन एंड हमारा एंगल ले लेते हैं 45। तो देखिए एक लाइन लग गई यहां से 45 की, अगर मैं -315 ले लेता तो भी बन जाता, मैं एक लाइन लेता हूं इस पॉइंट के आगे ही लूंगा एट द रेट 10 लेस देन -315, उसी एंगल पे ये लाइन बन गई, तो हमने क्या है उसी पे कंटिन्यू की है इस लाइन। ये है हमारे पास पोलर, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपके तीन कोऑर्डिनेट बने, वन इज एब्सोल्यूट स्टेट वे टू वैल्यूज, सेकंड इज रिलेटिव, यू आर गोइंग टू गिव द वैल्यू एट द रेट एंड देन वैल्यूज, एंड थर्ड इज पोलर, इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू, थर्ड वन वी आर गोइंग टू गिव एट द रेट व्हाट एवर लेंथ इज देयर एंड लेस देन एंगल। वी आर गोइंग टू शो यू वन एक्सरसाइज यूजिंग द लाइन कमांड ओनली, एक लाइन ही कमांड यूज कर रहे हैं, और वी आर गोइंग टू शो यू वन एक्सरसाइज। हम इस एक्सरसाइज को रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे और डायरेक्ट लाइन कमांड से करेंगे। तो सब फर्स्ट वी टेक अ लाइन कमांड एल एंटर, आई टेक फर्स्ट पॉइंट, नाउ आर वर्टिकल डायमेंशन इज 0.7, देन एट द रेट our x is 0, 0.7। now zoom it with the help of scroll, agar yahan pe rakh ke scroll ko zoom karoge to yahan zoom hoga, agar uske point jis point ke paas aap rakh ke scroll ko zoom in zoom out karoge wo wahan se zoom out hoga। our next point is 0.9, then at the rate our x value is 0.9, then r y is 0, similarly in vertical direction at the rate r x is 0 and the y value is 0.7, similarly again at the rate x value is 0.9 and y is 0,
at the rate, the value of x is 0 and the y value is 0.7. ये कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच. हमने पांच बनाने हैं. अभी अगेन एट द रेट 0.9, 0 एट द रेट 0.7 एट द रेट 0.9, 0 एट द रेट 0.7. हमारे हो गए एक, दो, तीन. एक और बनेगा एट द रेट 0.9, 0 एट द रेट 0.7. अब हमने आना है 2.7 आगे एट द रेट 2.7, 0. अब हमने नीचे जाना है 4.2, तो एट द रेट. अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव 0, -4. एंड हमारे पास अब एक कमांड है क्लोज. सी एंटर कर दोगे तो वो क्लोज है. हमारे पास कमांड होती है ऑर्थो. लाइन एंटर करते हैं. अब हमने स्ट्रेट लाइन करनी है तो हमारे पास यहां पे है ऑर्थो. अगर आप इसकी शॉर्ट की यूज करना चाहते हैं तो F8 कर सकते हैं, वरना इस पे क्लिक कीजिए. ये ऑर्थो. इसमें क्या है, आपने सीधी लाइन आएगी. आपको जो डिमेंशन चाहिए, जैसे हमने 5 या 3 की करनी है, अगर हमें एक रेक्टेंगल चाहिए 3x4 का, तो हमारा जो एक्स है इसको सिर्फ आपने उस डायरेक्शन में रखना है और क्या कर देना है 3. अब मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में रखा और क्या कर देना है 4. सिमिलर फैशन में मैंने इस डायरेक्शन में रखा और क्या कर देना है 3. और सिमिलर फैशन में मैंने नीचे रखा और क्या कर देना है 4. ये है हमारे पास ऑर्थो. ठीक है जी. ऑर्थो इज नथिंग बट इट विल, यू आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइन इन द स्ट्रेट फैशन, x स्ट्रेट, y स्ट्रेट. In between, it is not possible to draw the line when you are in the ortho. That is with the help of the direction. जो आपका कर्सर का डायरेक्शन है ना, माउस का डायरेक्शन, यू शुड गिव द डायरेक्शन. इधर इट विल मूव पॉजिटिव, इधर इट विल बी मूव नेगेटिव, और इट्स गोइंग टू बी इन द स्ट्रेट फैशन ओनली. इन बिटवीन पॉइंट नहीं ड्रॉ कर सकते. Next is object snap. If I want to take this point or the midpoint of this line, then the command is object snap. The shortcut of this command is F3. Or we can आपका ना toggle bar है, one step on, second step off. तो ये जो F3 जो ऑन कर रहे हो उसमें आप देखो, एक बार ऑन करो पीछे F3. जैसे ये दिस यू सी इन द कमांड प्रॉम्प्ट एरिया इज पुटिंग F3. F3 में आप देखो कुछ पढ़ रहे हो, ओ स्नैप ऑफ. तो लास्ट टाइम ऑन था, अब ऑफ हो गया. अब दोबारा फिर करेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा आ रहा है ऑफ, अभी अगेन ऑन. अगर अब ऑन हो गया, वन स्टेप ऑन, सेकंड स्टेप ऑफ, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट्स में, या फिर आप यहीं डायरेक्ट क्लिक करके ऑन ऑफ. अब देखिए हमारे पास यहाँ देखो, मैं लाइन कमांड दे रहा हूँ और मुझे मिड पॉइंट ही चाहिए, बट ये दोनों पॉइंट उठा रहा है. तो मुझसे गलती ना हो जाए तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर बाकी सारी सेटिंग अनटिक कर दूंगा, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स में जाओ तो ये हमारा टूल बार खुलता है. क्लियर कर देते हैं, हमें सिर्फ एंड पॉइंट चाहिए तो ओके कर देते हैं. अब देखिए ये मिड पॉइंट नहीं शो कर रहा, अब सिर्फ एंड पॉइंट शो कर रहा है, तो मुझे एंड पॉइंट चाहिए. और आप देखिए ऑर्थो है, तो मैं अगर इसका मिड पॉइंट लेना चाहता हूं तो मुझसे वो नहीं लेगा. तो मैंने क्या करना है, ऑर्थो ऑफ करना है, या तो यहां क्लिक करना है या फिर F8.
अब क्या है, वो कहीं भी वो लाइन ले रहा है, पहले क्या है? वो नहीं रहा था। अब मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, पहले तो हमें एंड पॉइंट चाहिए था। तो अगेन स्नैप में जाते हैं, स्नैप के साथ यहां पे टिक करते हैं जो हमारा कर्सर है। तो इसमें हमें कौन सा चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, सर्कल पॉइंट चाहिए, जो भी चीज मुझे मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट अगर एक ही बार में सबको सेलेक्ट करना है तो यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और सेलेक्ट ऑफ। अब मुझे यहाँ सारी चीज शो होंगी, तो मुझे यहाँ पे क्या शो हो रहा है, मिड पॉइंट। यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर पॉइंट भी शो हो रहा है। हमें मिड पॉइंट चाहिए तो मैं मिड पॉइंट ले लूँगा। सिमिलरली यहाँ मिड पॉइंट लेना है तो यहाँ मिड पॉइंट। आप ये एंड पॉइंट लिया, अब मुझे इसका परपेंडिकुलर पॉइंट चाहिए तो वो परपेंडिकुलर। तो ये है ऑब्जेक्ट स्नैप। द शॉर्ट की इज F3, और आप यहां से भी डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप में काफी ऑप्शंस है। जब आप इसका डायलॉग बॉक्स खोलोगे तो यू कैन सी देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन द ऑब्जेक्ट स्नैप। जो बिगनर्स हैं वो एटलीस्ट जो आपने यूज करना वो यूज करें, अदरवाइज क्या होगा कि वो आपका कर्सर आपको दूसरी चीजें भी दिखाएगा। और इसमें ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, जो भी आप काम करोगे वो आपको दिखा रहा है, वेदर इट्स गोइंग टू मीट एट द मिड पॉइंट, वेदर इट्स गोइंग टू मीट एट द मिड पॉइंट सॉरी एंड ऑफ द लाइन, और जो भी अदर ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से वो आपको ऑप्शन दिखाएगा। उसमें आपका देखो कि इसका जो कर्सर है उसका शेप डिफरेंट हो जाता है। अगर आपका मिड पॉइंट है तो इट्स डिफरेंट वन, एंड पॉइंट है इट्स डिफरेंट वन, परपेंडिकुलर है इट्स डिफरेंट वन, वो आपके साथ में उसको दिखाया हुआ भी डायलॉग बॉक्स पर ऑन करना। ये देखो ये इस तरह से आपको इसके सिंबल्स दिखाएगा, तो उससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ दिखा रहा है। अभी देखो जस्ट वैसे ही जस्ट आई एम शोइंग यू। अब एंड पॉइंट का है ये एक स्क्वायर सा बना दिया इसने, सर्कल का यहाँ पे एक सर्कल सा दिखा दिया, ठीक है, मिड पॉइंट के लिए एक ट्राइंगल सा बना दिया, तो इस तरह की आपको दिखाई देगी। नाउ वी आर गोइंग टू शो यू द सर्कल कमांड। तो आई एम पुटिंग माई कर्सर ऑन द सर्कल, जस्ट यू सी समथिंग इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। सो इट इज सेइंग दैट द क्रिएट ए सर्कल यूजिंग द सेंटर पॉइंट एंड ए रेडियस फॉर एग्जाम्पल। तो हमें एक रेडियस फिक्स करना है, एक सेंटर पॉइंट करना, विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट द सर्कल। और सर्कल का अगर आप इसमें से नीचे से ड्रॉप डाउन करेंगे तो सर्कल वी कैन ड्रॉ, फर्स्ट इज सेंटर एंड रेडियस, सेकेंड इज सेंटर एंड डायमीटर, थर्ड वन इज टू पॉइंट्स, यू जस्ट गिव द टू पॉइंट्स एंड ऑप्शंस आर यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस योर डायलॉग बॉक्स। थर्ड वन इज द थ्री पॉइंट, फोर्थ वन इज द टेंजेंट टेंजेंट एंड रेडियस। सो इफ यू आर हैविंग टू लाइन्स इन बिटवीन वी वॉन्ट टू ड्रॉ ए सर्कल, सो वी विल बी हैविंग टू टेंजेंट्स एंड वन इज रेडियस, थर्ड वन इज द टेंजेंट टेंजेंट एंड टेंजेंट। सो इफ यू आर हैविंग वन ट्राइंगल वी वॉन्ट टू ड्रॉ सम सर्कल इन बिटवीन दैट, सो यू डोंट नो द रेडियस, यू सिंपली स्पेसिफाई योर टेंजेंट्स, सर्कल विल जनरेट ऑटोमेटिकली, राइट। अब सर्कल जस्ट यू सी द ऑप्शंस, माई कमांड इज सर्कल, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल और रिमेनिंग ऑप्शन आर अवेलेबल। तो यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक करोगे दैट कमांड विल बी इन ऑपरेशन। तो बाई डिफॉल्ट इट इज द सेंटर पॉइंट, तो दिस इज माई सेंटर एंड नाउ द रेडियस। With the help of the movement of my cursor, the radius is increased. So if I want to draw the smaller circle, I will put it here. If I want to draw the bigger circle, I will put it here. Simply just click on this. So this was my center, and whatever radius was there, with the help of that, I have generated one circle. Second, you just see the second option. Circle, center and diameter. So this is my center. Now you just see the again command prompt area. Specify the radius of the circle or diameter. See if I say D. Now it is asking me the diameter. Yahan pe padho aap. Diameter of the circle. It is 20
5.2926 इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो लास्ट यूजर ने किया, तो मैंने इसको 40 का करना, एंटर योर 40 से एंटर। ये वाला हो गया, और एक आपको टेंजेंट एंड टेंजेंट का कर देते हैं। तो दिस इज माय लाइन, आई वांट टू ड्रॉ द सर्कल इन, तो टेंजेंट टेंजेंट एंड रेडियस सर्कल थर्ड वन। सिस्टम इज आस्किंग मी टू स्पेसिफाई द फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट ऑफ द सर्कल, सो दिस इज माय टेंजेंट, नाउ इट इज आस्किंग मी द, this is my second, and now by default radius is 20, so I can have 50. अगर ये बाहर चला गया तो अगेन यू से वो आपका डायमीटर ज़्यादा था तो बाहर निकल गया, डायमीटर कम हो कम आ गया। सेम वे अगर आपने ट्राइंगल के हिसाब से बनाना है, टेंजेंट टेंजेंट एंड टेंजेंट, so this is my first tangent, this is my second tangent, this is my third. okay, so ye aap options you can use when you will be having the practice on this. abhi ek aapko exercise karke dikha raha hu. अगर मान लो ये वाली एक्सरसाइज आपने बनानी है एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो जरा कैसे। पहले हम लाइन कमांड लेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट फॉर आर लाइन, नेक्स्ट डायरेक्शन गिव अ वैल्यू ऑफ 4 एट द रेट 4,0, y direction give a value of 3 at the rate 0,3, again in negative x direction give a value of 1 at the rate -1,0. For next value our value is -1 or -1 in y direction. ये आपकी टेपर्ड है ना, तो दोनों वैल्यूज आपकी माइनस में। अब इसमें एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। आप सी एंटर करके इसे क्लोज कर सकते हैं। अब इसमें जो सर्कल बन रहा है वो टीटीआर वाला बन रहा है, हमारा रेडियस है 0.5 और टेंजेंट हो गया एक के वाला और एक ए। हमने सर्कल कमांड ली, सी लिख के एंटर कर दो, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो टीटीआर, या फिर आप टीटीआर भी लिख के एंटर कर सकते हो। फर्स्ट टेंजेंट दे दो उसे, मैंने ये दी सेकेंड टेंजेंट, और अब वो रेडियस मांग रहा है, रेडियस दे दो उसे 0.5।
हमारी अगली कमांड है पॉलीगन, POL उसकी शॉर्ट की है। एक्चुअली हम लोगों ने जो पॉलीगन स्कूल टाइम में या कॉलेज में था, पॉलीगन वाज मोर देन फोर, ठीक है, बट ऑटोकैड में इवन फोर इज पॉलीगन। तो जो आपका रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, इट्स कम अंडर द फोर, फोर साइड, मोर देन फोर, यूजुअली जो हमने प्रैक्टिस किया मोर देन फोर वाज द पॉलीगन। तो अभी जस्ट यू सी हाउ वी कैन क्रिएट द पॉलीगन, और इस तरह का अगर आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो उसको कैसे जनरेट करें। POL लिख के आपने एंटर किया, अब वो आपसे मांगेगा नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड दे दो आप। अब इसके अंदर देखो, अब नीचे जो कमांड प्रॉम्प्ट एरिया में आप देखो पॉलीगन, पॉलीगन एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। तो हमने चार का मतलब या तो स्क्वायर था या रेक्टेंगल था, बट अब ऑटोकैड में जो जिसने भी जनरेट किया है, दे आर फीलिंग दैट फोर इज कम अंडर द पॉलीगन। तो बाय डिफॉल्ट इट इज द फोर, यू कैन चेंज इट। मैं सिक्स देता हूँ, यहाँ पे सिक्स लिख के एंटर किया। अब वो आपसे मांगेगा सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, आप सेंटर पॉइंट या तो सर्कल का दे दो, या बाहर देना चाहते हो तो बाहर भी दे सकते हो। मैंने सर्कल का सेंटर पॉइंट दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इंस्क्राइब्ड होता है सर्कल के अंदर बनाना है आपने, सर्कमस्क्राइब्ड हो गया सर्कल के बाहर बनाना है। अगर आपने सर्कल के अंदर बनाना है तो आई लिख के एंटर कर दो, अगर सर्कल के बाहर बनाना चाहते हो तो सी लिख के एंटर कर दो। मैंने सर्कल के अंदर बनाता हूँ, आई लिख के एंटर किया मैंने। अब आप उसे एक क्वाड्रेंट पॉइंट दे दो, आप ऊपर लेके जाओगे यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट पॉइंट शो करेगा वो, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर उसे रेडियस दे दो वो तब भी लग जाएगा। मैं आपको सर्कल के बाहर भी लगा के देता हूँ, और एंटर किया आप वही कमांड आ जाएगी दोबारा, नंबर ऑफ साइड दे दो उसे दोबारा, सेंटर पॉइंट। अब मैं सी लिख के एंटर करता हूँ, मैंने सर्कल के बाहर लगाना है। आप या तो आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ पे रेडियस मांग रहा है वो, अगर आप रेडियस देना चाहते हो, आपके पास कोई रेडियस है तो रेडियस दे दो, नहीं तो आप यहाँ पे क्वाड्रेंट पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो तो वो सर्कल के बाहर लग जाएगा। अब ये वाली एक्सरसाइज बनाते हैं हम, इसमें हमारा रेडियस है 4.5। हम सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, सी एंटर, कोई भी सेंटर पॉइंट दे देंगे हम उसे। अब उसका रेडियस दे देंगे 4.5। अब हम पॉलीगन कमांड लेंगे, POL एंटर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 6 है, ठीक है, हम नंबर ऑफ साइड 6 दे देते हैं यहाँ पे। अब वो आपसे मांग रहा है सेंटर पॉइंट, हमने सेंटर पॉइंट इसी सर्कल का दे दिया। अब हमने सर्कल के बाहर ड्रॉ करना है तो हम सर्कमस्क्राइब लेंगे, तो सी लिख के एंटर कर देंगे। There are two options in this. One is the inscribe, the second is the circumscribe. So I and C, there are two shortcut for this. Yeah, आप उसको straight पे click भी कर सकते हैं mouse से. So he has used the circumscribe. तो बाहर बनेगा। अब हम ये वाला rectangle भी polygon से बना सकते हैं। आप polygon में number of side 4 दे दो। Center point दे दो उसे। अब आपने इंस्क्राइब करना है तो आई लिख के एंटर कर दो, क्वाड्रेंट पॉइंट दे दो उसे। अब ये वाला सर्कल आप तो या 3 पॉइंट से बना सकते हो या फिर ट्रिपल टेंजेंट से बना सकते हो। सर्कल कमांड में गया, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, एक ये सिलेक्ट कर ली मैंने, एक ये वाली और एक अब फिर पॉलीगन से बना दो रेक्टेंगल, POL एंटर, नंबर ऑफ साइड इसमें 4 है। अब वो सेंटर पॉइंट मांग रहा है आपसे, सेंटर पॉइंट दे दो। अब ये देखो सर्कल के अंदर है तो हम आई लिख के एंटर कर देंगे इंस्क्राइब के लिए, और अब उसे एक क्वाड्रेंट पॉइंट दे दो। अब इसमें लाइन ड्रॉ हो रही है, आप लाइन कमांड लो, एल लिख के एंटर कर दो, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट लाइन लगा दो, एंटर, दोबारा लाइन कमांड लो,
फिर से लाइन कमांड। अब ये मिड पॉइंट से लग रही है, मिड पॉइंट ये वाला सेलेक्ट किया मैंने, एक ये वाला, एंटर, फिर से लाइन कमांड ली मैंने एंटर प्रेस करके। अदरवाइज उसमें सीधा है, आप डायमेंशन कमांड में जाओ, यहाँ पे ये आपका डायमेंशन है, कौन से वाला लेना है आपने, लीनियर लेना है, अलाइंड लेना है, जो भी इसमें ऑप्शन है वो वाला चूज करो, उस पर वहाँ पे प्लेस करो, तो वो हमें आपको बताएंगे सब्सिक्वेंटली। एंटर कर दो उसको, एंटर कर दो या एस्केप कर दो। और अदरवाइज अगर मान लो कोई भी एक कमांड यूज कर रहे हो आप, से लाइन टाइम एंड अगेन आपने लाइन ही यूज करना है, जो आपने लाइन ड्रॉ करी स्टेट पे यू गिव एंटर टू इट, लाइन कमांड ही आई। अब जब आप ये एक्सरसाइज देखते हो कुछ दिमाग में आपको आया कि क्या चीज है, किस तरह से क्या क्या डिमांड जनरेट हो रही है, लाइन कमांड का यूज हुआ होगा अभी तो, और जब हम मॉडिफाई कमांड भी यूज करेंगे तो उसमें आप इसको एडिटिंग भी कर सकते, जहां से कट कुट लग रहा है एडिशनल थिंग्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द मॉडिफाई कमांड, ठीक है। सेकेंड क्या है, इसके अंदर कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं That you can generate with the help of the coordinate system. अब coordinate system आपने कौन सा लगाना है, इट्स योर विश। आपके पास एक सीट आ जाएगी, उसके हिसाब से आप कहाँ पे 0 0 फिक्स करके और किस तरह से मूव कर रहे हो, उसके हिसाब से आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते, ठीक है। पहले लाइन कमांड लेनी है आप सब ने, लाइन कमांड ली, एल लिख के एंटर कर दो, आपसे वो फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, आप फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी क्लिक करके दे सकते हो उसे, मैंने फर्स्ट पॉइंट जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। हम अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, अब ये वाली जो लेंथ है एक्स डायरेक्शन में 2 है, तो हम लिखेंगे @2, अब देखो ये नीचे को आ रहा है और नीचे को हमारा वाई नेगेटिव होता है, तो अब हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस में @0, -2। अब फिर एक्स में जाना है आपने, अब एक्स आप देख रहे हो पॉजिटिव में हमारा @1, 0। अब आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, @0, वही रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही जनरेटिंग द ड्राइंग एंड सिंपली गिविंग द वेदर एक्स इज पॉजिटिव और एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव, सिंपल। अब हमारी एक्स में वैल्यू है 2, @2, 0। अब यहाँ पे देख रहे हो x में भी जा रहे हो और y में भी जा रहे हो, यहाँ पे हमारा y नेगेटिव आ जाएगा @2, -2। अब हम फिर नेगेटिव में जा रहे हैं y में @0, -10। अब यहाँ पे हमारी 2 है दोनों साइड, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तो @x हमारे नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यहाँ पे हमारा -2, -। फिर से हमने 2 में जाना है और हमारा यहाँ पे x है नेगेटिव @-2, 0। आपने अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है @0, 2। अब आपने -1x में जाना है -0, y नेगेटिव आ गया हमारा 0, -2। x नेगेटिव आ गया हमारा 2 @-2, 0। अब हमने x और y में दोनों में जाना है,
और इसमें हमारा एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एट द रेट माइनस टू कॉमा टू। हमने वाई डायरेक्शन में जाना है और वाई डायरेक्शन में हमारी वैल्यू है फोर, एट द रेट जीरो कॉमा। अब आप एक्स में जा रहे हो फोर, एट द रेट फोर कॉमा जीरो। वाई में आगे एट द रेट जीरो कॉमा टू। अब हमने एक्स में नेगेटिव फोर जाना है, एट द रेट माइनस फोर कॉमा जीरो। अब वाई में फिर से जाना है, वाई अब हमारा पॉजिटिव है जीरो कॉमा टू। एक्स और वाई में दोनों जाना है आपने। आप सी एंटर करके इसे क्लोज भी कर सकते हो, आपको वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट कर सकते हो, सी लिख के एंटर कर दो। So just I am showing you one more command that is under draw. You go to main menu draw bar and just you see where is the rectangle. So this is the rectangle command. I am giving the rectangle command, right? So there are various ways and means by which you can draw the rectangle command. Yeah, this is the chamfer, elevation, fillet, thickness and width. Yeah, additional commands hai. Chamfer is the command of modify. Modify की command है, but even then you can generate rectangle with the help of the chamfer also, as well as with the help of the fillet also. But straight way we are just, I am just going to show you with the help of the line commands only. So now you just see the command. My command is rectangle, and it is asking me specify the first corner. So this is my first corner, or you can fix your corner with the help of the coordinate system also. ठीक है, नाउ वेयर आई वांट टू पुट माय सेकंड कॉर्नर। और जो एडिशनल थिंग्स हैं वो आप अगर मान लो कि थिकनेस आपने देना है, कर दो तो सिंपली राइट टी एंटर, बाय डिफॉल्ट थिकनेस इज जीरो। ठीक है, तो यू कैन गिव योर थिकनेस इट 10 enter. Now say this is my first point and this is my second point. Abhi ye aapko thickness nahi dikha raha, but when you will go in the UCS you can see the thickness. Theek hai, lekin ye wali cheez hum tabhi karenge jab hum 3D ka part. So this is the main. आप लिख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड, यू कैन राइट इट ऑल्सो और यू कैन टेक इट फ्रॉम द फॉर्मेट कमांड। गो टू फॉर्मेट कमांड एंड फिक्स योर यूनिट्स। यस, नाउ यू जस्ट सी द टाइप्स ऑफ यूनिट्स। दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स बाई विच यू कैन ड्रॉ द कमांड। One is your rectangle, architectural is there, decimal is there, engineering is there, fractional is there, scientific is there. So jo feet and inches mein kar raha hai, that can do in the help of the architecture. Or decimal wala to state pe hum log kar hi rahe hain, iske hisab se aap kar sakte ho. So I am keeping decimal. Now it is the precision. प्रिसीजन इज द इन द सेंस कि आप डॉट के बाद कितना फर्दर पॉइंट्स आ रहे हो, जैसे 10.1, तो वन प्रिसीजन इज देयर।
यू वांट टू राइट से 10.0009, तो 4 यूनिट्स का प्रेसिजन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके देखो, जिस सी प्रेसिजन इज देयर, स्टार्ट फ्रॉम द पूरा पूरा जीरो से एंड लास्ट डिजिट इज देयर। तो यूजुअली 2-3 इज आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट, तो आप 2 रख लीजिएगा, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। सेम इज द केस ऑफ द एंगल, अभी हम एंगल का यूज नहीं कर रहे, बट एनीवे एंगल अगेन यू कैन यूज डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। डेसिमल डिग्री रखना है या क्या रखना है, ग्रेडियंट रखना है, रेडियंट रखना है, या व्हाट एवर थिंग्स आर देयर। ये वाला हो गया, अगेन प्रिसीजन इज देयर, सेम थिंग यू विल सी व्हाट एवर प्रिसीजन यू वांट। ठीक है, अब इन केस ऑफ दिस डेसिमल में यू कैन फिक्स योर यूनिट्स आल्सो, ये इसके हिसाब से फर्दर आप सेट कर सकते। तो मिलीमीटर आई एम कीपिंग, से ओके टू इट। दिस वाज द यूनिट एंड सेकंड इज द लिमिट। Same again in case of format, drawing limits are there. So I am fixing my limits. So you can have your limits on as well as you can have your limits off also. If you want to have, if you want to fix your limits, so 0, 0, effectively this is 0, 0. Okay, I am saying enter to it. Next, 420 by 297. और जो भी आपका पेपर साइज है बेस्ड ऑन दैट यू कैन फिक्स योर लिमिट्स, हिसाब से आप चेंज कर सकते। अगर आपने चेंज करना है यू राइट योर यूनिट्स अकॉर्डिंगली, ये जो आपका स्केल है ये वाला, ये जो ड्राइंग एरिया है उतना बन जाएगा, एंड देन यू जस्ट डू द जूम। In case of view, you are having the zoom, or simply आप z करके भी उसको z and enter, you can have the zoom. If you say zoom all, तो जितना भी आपका स्क्रीन पे है it will come down. और zoom extent जो आपको कम दिख रहा है उसको बड़ा करके दिखा दे। तो if you simply say zoom all, तो जो भी आपने drawing fix किया है, limits तो fix किया, units and drawing limits, वो आपका सामने आ रहा है। तो आपको जो भी आप बना रहे हैं, इट इज शोइंग यू बियॉन्ड द स्क्रीन, बट आप उसको जूम कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपने बाई चांस कभी स्केल बड़ा रख लिया तो आप जूम करके यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू द लोअर लेवल। तो नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू ड्रॉ द इलिप्स। तो इन केस ऑफ इलिप्स वी आर हैविंग 3 डिफरेंट ऑप्शंस बाय विच वी कैन ड्रॉ द इलिप्स। वन इज योर सेंटर, second is your axis and end, and third one is the arc. I am taking say first one, center. So ellipse, in this case system is asking me the ellipse, specify the center of the ellipse. Say this is my center, okay. Now specify the end point of the axis, say this is my end point. And now depending upon my rotation or the distance, it is showing me the this way you can create the ellipse. Go to draw and go to ellipse, axis and end. So ellipse, specify the axis end point of the ellipse. Say this is my first point, this is my another point, and this is my distance. So you can draw the ellipse with the help.
and if you say rotation to it, again system will ask you the information based on that. You can draw the ellipse. एक और एडवांस कमांड की है, ही सेइंग की ट्रिम, हाउ टू ड्रॉ द ट्रिम. दिस टाइम शोइंग यू say this is one entity I have created with the help of the line command only. I want to remove these extra props. Okay, then you go to modify command and say trim to it. Yes, here it is, trim. Now system is asking me to select the objects. So there are various means by which you can have the selection. One is the individual. Okay, so with the help of this I am selecting this. Okay, second is the crossing. So crossing is from right to left, so wherever I am touching it is selecting. This is crossing. And third one is the window. The entity which is coming inside the window will be selected, otherwise it will not. Okay, so we have selected this, say enter to it. Select objects, say I want to remove this. I am selecting, say now select the objects, enter the area. Now wherever you want to cut it, it will go. This I want to remove, 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 this I want to remove. This way you can trim, or other way you can also trim. So with the help of these commands, we are going to show you the next exercise, how we can create that exercise. एंटिटीज बनाई है एंड इन डिफरेंट फैशन बेस्ड ऑन दैट ये ड्रॉइंग बन रहा है. तो इसके अंदर सर्कल है आपका बेसिकली, और एक पॉलीगन आप कह सकते हो या रेक्टेंगल कह सकते हो, और फिर फर्दर पार्ट ऑफ पॉलीगन होते हैं, और आपका एक स्क्वायर भी है, 8x8 का एक स्क्वायर है, उसके अंदर सारा चीज़ क्रिएट. सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल कमांड ली. रेक्टेंगल कमांड की शॉर्ट की होती है REC एंटर. आप ड्रॉ पे जाके भी यूज कर सकते हैं उसे. जो ज्यादा कमांड्स यूज करते हैं स्टेट में, ये ड्रॉ कमांड और इसमें नहीं जाता, उसको लिमिट अपने आप, उसकी जो शॉर्टकट से अपने आप ही याद हो जाता है. सिंपली वो आपको एंटर करेगा, वो दैट कमांड आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट. अब आपसे वो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मांग रहा है, आप कहीं पे भी क्लिक कर दो. अब उसकी लेंथ और विड्थ दे दो आप एट द रेट लगा के 8.8. अभी बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, दैट यू कैन हैव स्क्रॉल्ड. उसके बाद हमारा सर्कल आ रहा है. ये सर्कल बनेगा किससे, या तो आप 3 पॉइंट से बना लो, आप इनके मिड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो 3, या फिर ट्रिपल टी से बना सकते हो, टेंजेंट 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 से. मैं इस पे गया, एक टेंजेंट सेलेक्ट की मैंने, सेकेंड और थर्ड.
इफेक्टिवली आपका एट डाया का एक सर्कल बन, नेक्स्ट सर्कल इज ऑफ एट डाया। उसके बाद आ रहा है हमारा पॉलीगन, POL लिख के एंटर कर दो, या आप ड्रॉ में जाके यूज कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है हमारी, एट, एट लिख के एंटर कर दो। अब उसे सेंटर पॉइंट दे दो, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट दे देंगे हम। अब आपको सर्कल के अंदर बनाना है बाहर, सर्कल के अंदर बनाना है ये, तो आई लिख के एंटर कर दो, इंस्क्राइब। अब आपसे रेडियस पूछ रहा है वो, या तो आप रेडियस देना चाहते हो 8-4 रेडियस दे दो, या आप इसके क्वाड्रेंट पॉइंट पे भी क्लिक कर सकते हो। अब उसके बाद एक और पॉलीगन आ रहा है हमारा, ये पॉलीगन कमांड ली मैंने, नंबर ऑफ साइड 4 ले ली। अब उसे सेंटर पॉइंट दे दो दोबारा। अब आपने फिर से सर्कल के अंदर ही बनाना है ये, तो आई लिख के एंटर किया आपने, क्वाड्रेंट पॉइंट दे दो उसे। अब ये सर्कल बने हुए हैं चार, अब ये आप किससे बना सकते हो, सेंटर डाया कर सकते हो। सेंटर आपको पता है डाया, वहां पे नेक्स्ट पॉइंट दे दो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इसमें टू पॉइंट से पॉइंट्स भी कर दो, टू पॉइंट्स, फर्स्ट इज योर सेंटर एंड सेकंड इज योर इंटरसेक्शन और जो भी क्वाड्रेंट आपका बन रहा है। सर्कल कमांड में गए, टू पी, एक तो इसका सेंटर पॉइंट दे दो और एक ये एंड पॉइंट दे दो। अभी तो आप, क्योंकि हमने मॉडिफाई कमांड यूज नहीं की, इसलिए एक एंटिटी को ही रिपीट कर रहे हैं, और जब आप मॉडिफाई करोगे उस वाले में एक का मैनी बनाने के लिए आप अरे कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो ऑप्शंस हैं आप, वो फिर आपको इजी बनता चला जाएगा। अभी ये सिर्फ सीधी सीधी बनाई हुई एक्सरसाइज, आप अपने हिसाब से आप इसी वाले को थोड़ा बैठे, इसी वाले को आप फ्लावर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कलर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और जो एडिशनल पार्ट्स हैं उसको रिमूव करके, तो ये अगर आप यहाँ से रिमूव कर दे तो ये एडिशनल पार्ट्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये आपका एक फ्लावर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। वो फिर फर्दर जो आपने इफेक्ट्स डालने हैं आप कर सकते हैं। अब इस वाले में क्या क्या चीज बन रहा है जरा देखें, बताएं। सबसे पहले हम सर्कल कमांड लेंगे, इसमें सी लिख के एंटर कर दो। अब उसे सेंटर पॉइंट दे दो आप कोई भी, मैंने सेंटर पॉइंट दिया। अब मुझे रेडियस यूज करना है, रेडियस दे रखा है हमें 4.5 दिया तो एंटर। अब हमारे पास क्या आ रहा है, पॉलीगन, POL लिख के एंटर कर दो। नंबर ऑफ साइड कितनी है इसकी, एंटर पॉइंट दे दो पॉलीगन का। अब ये इंस्क्राइब है, सर्कमस्क्राइब है, सी लिख के एंटर कर दो, क्वाड्रेंट पॉइंट दे दो। ये जो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, जो आपको मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट और ये आपके ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है तभी आपको दिखाई दे रहा है, अदरवाइज सारे को नहीं दिखेगा। अब ये आ रहा है, हम ये भी हम पॉलीगन कमांड से बनाएंगे। POL एंटर दोबारा, नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 4, सेंटर पॉइंट दे दो उसे, आई एंटर, क्वाड्रेंट पॉइंट दे दो उसे। नेक्स्ट इज अगेन सर्कल, जो मर्जी यूज करो आप। थ्री पॉइंट भी यूज कर सकते थे आप, इसमें मिड पॉइंट दे देते 3, तब भी बन जाता। अब आगे यहाँ पे हमारा एलिप्स, एलिप्स या तो आप ड्रॉ में जाके यूज कर लो, या फिर इसकी शॉर्ट की होती है EL, EL लिख के एंटर कर दो, तब भी आ जाएगी। आपको कौन सा यूज करना है, एंड पॉइंट वाला या सेंटर पॉइंट वाला, अभी इसमें एंड पॉइंट वाला चल रहा है आपसे, वो फर्स्ट एंड पॉइंट मांग रहा है, मैंने फर्स्ट एंड पॉइंट दिया उसे, इसका क्वाड्रेंट पॉइंट दे दिया,
सेकेंड एंड पॉइंट मैंने ये वाला क्वाड्रेंट पॉइंट दे दिया। अब वो डिस्टेंस मांग रहा है आपसे, वो डिस्टेंस हमारा है वन, वन लिख के आप एंटर कर दो। सेम इसी तरह इस साइड को आ जाएगा, ये वाला एंड पॉइंट सेलेक्ट किया आपने, एक ये वाला, अब उसे डिस्टेंस दे दो वन लिख के एंटर कर। ऑब्जेक्ट स्नैप आप ये ना टॉगल बार है नीचे, ये यहाँ से देखो, आप यहाँ पे सेटिंग में जाके कोई भी पॉइंट चाहिए आपको, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, आप यूज कर सकते हैं। ये वाला आप ऑप्शन यूज करके देखो एक बार। जैसे अब मैं आपको ना एक वैसे ही जो सिंपल सा बता रहा हूँ, जैसे मैं लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, इसका जो मेन एडवांटेज है मैं सिंपल वैसे ही वर्बल बता देता हूँ। जो ऑब्जेक्ट स्नैप का मेन एडवांटेज है, जब भी आप ड्रॉ करते हैं आपको विजुअली लगेगा कि ये वहाँ पे एग्जैक्टली टच कर रहा है, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट देयर। तो इन ऑर्डर टू हैव द प्रिसीजन इन द ड्रॉइंग, आप ऑब्जेक्ट स्नैप यूज करो, एग्जैक्टली एट द मिडल करेगा या एंड पे करेगा या क्वाड्रेंट पे करेगा, वो उन दो एंटिटीज का टच होगा उसका। अदरवाइज आपको दिखेगा कि ये मैंने एंड पॉइंट ही प्रॉपर एंड पॉइंट पकड़ा है, लेकिन देर विल बी सम वेरिएशन इन दैट, देर विल बी सम वेरिएशन इन दैट।